Good afternoon, students. I hope we all are staying home, taking precautions, and we all are safe. ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आयल्स करके स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आयल्स की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे टाइम पे जब लॉकडाउन लगा हुआ है और कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आपके मन में यही क्वेश्चन हुआ कि अब क्या करें. वीजा आप अप्लाई करना चाहते हैं, आयल्स आपने तैयारी कर रखी है या कर सकते हैं, लेकिन आयल्स का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं. अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा टेस्ट है जो आप अपने घर से भी दे सकते हैं, आयल्स के इक्विवेलेंट है, यानी आयल्स के बराबर है, और इस टेस्ट के बेस पे आप यूके या कनाडा में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में. आपने शायद इस टेस्ट के बारे में ना सुना हो, लेकिन ये टेस्ट बहुत पुराना है, मार्केट में कई सालों से है. ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स में ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट देने का रिवाज नहीं है. यहाँ पे आयल्स और पीटी का फैशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन दूसरी कंट्री के लोग, फॉरेन कंट्रीज के लोग ड्यूओलिंगो टेस्ट को काफी प्रेफर करते हैं. आज मैं बात करने वाला हूँ ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट कैसा होता है, इस टेस्ट में क्या क्या आता है, फॉर्मेट या पैटर्न क्या है इसके क्वेश्चंस का, ये टेस्ट कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एप्लीकेबल है, रिकॉग्नाइज्ड है कौन कौन सी कंट्रीज के द्वारा, साथ ही इस टेस्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है. तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो को. हे फ्रेंड्स, क्या आप आयल्स की कोचिंग लेना चाहते हैं? कितनी फीस देते हैं आप? 18,000, 10,000, 8,000? मिलता क्या आपको 4 किताबें और एक इंग्लिश का टीचर? डाउनलोड कीजिए हमारी मोबाइल ऐप और अपनी मर्जी से पढ़िए. उसमें क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट स्टडी प्लान, 100 से ज्यादा एक्सप्लेनेशन वीडियो, 80 से ज्यादा स्पीकिंग इंटरव्यू, 200 से ज्यादा राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2, 50 से ज्यादा रीडिंग टेस्ट विद वोकैबुलरी, 50 से ज्यादा लिसनिंग टेस्ट, 600 से ज्यादा वर्ड बैंक, 12 फुल मॉक टेस्ट, 12 टेलीफोनिक इंटरव्यूज हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और 300 से ज्यादा इंग्लिश लर्निंग वीडियोस विद पीडीएफ लाइब्रेरी. ये सब आपको मिल रहा है आपके कोचिंग सेंटर से भी आधी कीमत पे. जी हाँ, आज ही हमारी फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, घर बैठ के पढ़िए, अपनी मर्जी से पढ़िए. लॉकडाउन के टाइम पे आयल्स का टेस्ट न हो पाना स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है. फॉरेन यूनिवर्सिटीज को ये बात पता है कि बच्चे आयल्स का टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कुछ यूनिवर्सिटीज ने विदाउट आयल्स ऑफर लेटर की पेशकश की है कि वो विदाउट आयल्स ऑफर लेटर दे सकते हैं. आप आयल्स का स्कोर उनको बाद में दे सकते हो, लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज ने अभी ये अनाउंसमेंट की है. अगर मैं कनाडा की बात करूं, तो मैंने आपको पहले बताया था एल्गोमा यूनिवर्सिटी और यॉर्कविल यूनिवर्सिटी ऐसा ऑफर दे रही है. हालांकि आपको आयल्स करना पड़ेगा, लेकिन आप स्कोर बाद में दे सकते हैं, फिलहाल विदाउट आयल्स ऑफर लेटर मंगवा सकते हैं. लेकिन अगर आप कनाडा में इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो आपके सामने अब एक लिमिट होगी कि आप इन्हीं लोकेशंस पे जा सकते हैं जहां पर ये यूनिवर्सिटीज हैं. अगर आप अपनी लोकेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, किसी अदर एरिया में अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा में, तो आपके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है, दैट इज ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट. इसीलिए ये ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें और आयल्स में काफी फर्क है, फिर भी इन दोनों टेस्ट में बहुत सारी समानताएं हैं. सबसे पहले फर्क की बात कर लेते हैं. आयल्स, जैसा कि आप जानते हैं, सीडी आयल्स भी होता है और पेन एंड पेपर फॉर्मेट पे भी होता है. तो ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट इज ओनली ऑनलाइन टेस्ट, ये सीडी आयल्स की तरह का एक टेस्ट है. दूसरी बात, ये टेस्ट सिर्फ 1 घंटे का है, आयल्स का आपका टेस्ट 3 घंटे का होता है. आप आयल्स टेस्ट को महीने में 4 बार दे सकते हैं, जबकि ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट को आप महीने में 2 बार बुक करके दे सकते हैं. हालांकि ड्यूओलिंगो टेस्ट पे भी आयल्स टेस्ट की तरह कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहे इस एग्जाम को दे सकते हैं. ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट आप घर से दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट है, आपके पास एक रनिंग कंप्यूटर होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, आप अपने घर से इस टेस्ट को दे सकते हैं. आपको किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये टेस्ट आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट है जब लॉकडाउन हुआ है. ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट की फीस बहुत कम है, $49 इस टेस्ट की फीस है. ये लगभग आपको 3200-3300 के आसपास पड़ेगा अगर हम कैनेडियन डॉलर से इसको कंपैरिजन करते हैं, तो ये बहुत सस्ता है आयल्स के एग्जाम के कंपैरिजन में. दूसरी सबसे अच्छी बात, ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट का रिजल्ट 2 दिन में आ जाता है, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा. और इसके अंदर फ्री फैसिलिटी है कि जिन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उन यूनिवर्सिटीज में आप अपना रिजल्ट डायरेक्ट सेंड करवा सकते हैं सीधा ड्यूओलिंगो की साइट से. आप वहां पे ऑप्शन आएगा, मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने टेस्ट को अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में डायरेक्टली सेंड करा सकते हैं. लॉकडाउन की वजह से ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी को अपने सारे टेस्ट कैंसिल करने पड़े हैं.
इसी वजह से अभी ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी भी एक ऑनलाइन टेस्ट लेके आए हैं जिसका नाम है आयल्स इंडिकेटर। आयल्स इंडिकेटर टेस्ट की चर्चा हम कल करेंगे। आयल्स इंडिकेटर टेस्ट पहले नहीं था, ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट बहुत पहले से मार्केट में है। आयल्स इंडिकेटर टेस्ट भी एक ऑनलाइन टेस्ट है जो आप घर से कर सकते हैं और ये टेस्ट 22 अप्रैल यानी आज से शुरू हो रहा है। ये अभी शुरू हुआ है, ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट पुराना है। तो आयल्स इंडिकेटर टेस्ट की जानकारी मैं आपको कल दूंगा एक अलग वीडियो में। आज हम बात करेंगे ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के फॉर्मेट के बारे में कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। सबसे पहली बात तो ये कि आयल्स की तरह इसमें 4 मॉड्यूल नहीं है, इसमें मिक्स क्वेश्चन आपके पास आते हैं। हर क्वेश्चन की एक ड्यूरेशन है, कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड के हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट के हैं, कुछ 1 से 3 मिनट और कुछ 3 से 5 मिनट। सो अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग ड्यूरेशन है। 60 मिनट्स का टाइम है इस टोटल टेस्ट का। ये टेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले पार्ट को एडेप्टिव टेस्ट बोलते हैं जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या क्या होते हैं मैं अभी आपको एक पूरा फुल टेस्ट दिखाने वाला हूं। 2 पार्ट्स इस टेस्ट के मैंने आपको बताए। एडेप्टिव टेस्ट फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में होता है आपका वीडियो इंटरव्यू एंड राइटिंग सैंपल। जो 10 मिनट का पार्ट है, इससे पहला जो पार्ट है वो 40-45 मिनट्स का होता है। कंप्लीट इसको 60 मिनट लगते हैं पूरे टेस्ट को करने में। इन दोनों पार्ट में से सिर्फ अडेप्टिव टेस्ट के मार्क्स आपको मिलेंगे। जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया वीडियो रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग सैंपल, उसके नंबर्स आपके फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना या पास नहीं करना है। पास करना जरूरी है, सिर्फ उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या ड्यूओलिंगो टेस्ट आयल्स से डिफिकल्ट है या इजी है। अगर मैं पर्सनली कहूं तो मुझे टेस्ट बहुत इजी लगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बड़े आराम से आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। बट ये टेस्ट कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है, अभी मैं आपको इसे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। स्कोर की बात कर लेते हैं, इसमें बैंड स्कोर नहीं होते हैं। आयल्स में आपको बैंड स्कोर मिलता है, जबकि इसमें कंप्लीट टेस्ट का स्कोर होता है जैसे आपके पीटी टेस्ट में होता है। तो ड्यूओलिंगो टेस्ट में क्या होता है कि आपको 10 से 160 के बीच का स्कोर मिलता है। 100 से 120 का स्कोर बहुत अच्छा है, आप किसी भी कंट्री में उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। 105 का स्कोर मतलब 6 बैंड, 120 स्कोर मतलब 7 बैंड। तो आप अब समझ गए हैं कि 100 से 120 का स्कोर जो है 6 से 7 के बीच का स्कोर है और एक बहुत अच्छा स्कोर है, चाहे आप यूके अप्लाई करना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं या फिर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। टोटल 400 से 500 टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं, और ऐसे ही हमारे पास यूएसए बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको वीडियो में अभी ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो चलिए हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। ये एक ऑफिशियल वीडियो है ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट की। इसमें हम आपको ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट का फॉर्मेट दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि वन बाय वन किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके सामने ड्यूओलिंगो टेस्ट की स्क्रीन है, थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि 30-35 मिनट कहीं नहीं जाना है, इंटरनेट कनेक्शन सही हो, माइक्रोफोन वगैरह स्पीकर आपके काम कर रहे हैं और अपनी आईडी साथ में रखें। अब यहाँ से ये टेस्ट शुरू हो रहा है। इन सब इंस्ट्रक्शन को आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, हेडफोन चेक कर लीजिए, नहीं होना चाहिए आपके पास हेडफोन या ईयरबड्स, नहीं लगा सकते हैं आप। अब नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि साउंड चेक कीजिए, आपको जो साउंड सुन रही है येस कीजिए, अगर नहीं सुन रही है तो नो कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये बस आपके उपकरणों को यानी इंस्ट्रूमेंट्स को चेक कर रहा है। रिकॉर्डिंग करनी है, 1, 2, 3 बोलना है ताकि रिकॉर्डिंग चेक हो जाए। कैमरा वगैरह चेक करना है, कैमरा ओपन रहेगा आपका, वेबकैम और माइक्रोफोन का एक्सेस रहेगा। अब यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग 1, 2, 3 बोल के आप रिकॉर्ड करें, नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पे वो रुक जाएगा और चेक करेगा क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, अगर वो सब कुछ आपका सही है फिर ये कुछ आपको सुनाएगा। आपको अगर सुन रहा है 1, 2, 3 या जो भी है तो आप येस पे क्लिक कीजिए और उसको नेक्स्ट कीजिए, मतलब आपको सुन भी रहा है और आपकी आवाज़ भी जा रही है तो ठीक है। अब आगे ये आपकी एक फ़ोटो लेगा, यहाँ पे ये फ़ोटो ले रहा है आपकी। फ़ोटो लेने के बाद ये आपको कहेगा कि आप अपनी आईडी सेलेक्ट कीजिए, आपको अपना नेम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी नेटिव लैंग्वेज और आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहाँ पे डालनी है। फिर आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है और आपकी आईडी टाइप क्या है, मतलब पासपोर्ट है आपके पास या कोई वोटर आईडी है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आईडी आपके पास उस टाइम पे होनी चाहिए वो आपकी फ़ोटो भी लेंगे। तो ये अगर आपके पास फिजिकली अवेलेबल है येस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे और फिर उसकी आप फ्रंट की यहाँ पे एक फ़ोटो लेंगे और उसके बाद बैक की फ़ोटो भी होगी, मतलब दोनों टाइप से आपको उसकी फ़ोटो देनी है, चाहे वो पासपोर्ट है या फिर वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। ये देखिए यहाँ पे वो फ़ोटो ले रहे हैं। इसके बाद ये दोनों फ़ोटो होने के बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको बताएगा, और उसके बाद आपका टेस्ट शुरू होने वाला है। अब कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे ये आपका टेस्ट शुरू होने वाला है। थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस ये आपको दे रहा है कि आपने बोलना नहीं है बीच में जब तक ना कहा जाए, कोई और आपके रूम के अंदर नहीं आ सकता, आप मोबाइल या कोई भी नोट्स साथ में नहीं रख सकते हैं, और वेबकैम और आपका माइक्रोफोन जो है वहाँ पे सही होना चाहिए। नाउ यू आर रेडी टू टेक द टेस्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे शुरू हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप द मिसिंग लेटर, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ आपने लिखने हैं प्रॉपर, आपने फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, आपने रिकॉर्ड करना है ये स्टेटमेंट जो नीचे लिखी हुई है, उसको बोल के रिकॉर्ड करना है ताकि आपकी स्पीकिंग चेक हो सके कि आप रीडिंग रीड करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट में आपको ये इमेज आ रही है, इमेज दी गई है, इसके ऊपर आपने इस इमेज को डिस्क्राइब करना है। एक मिनट का क्वेश्चन है, एक मिनट तक जितने मर्जी लिख सकते हैं, वर्ड लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्लिक करें, उसके बाद ये अगर हो गया है आपका, अब इसके बाद आपने इन ये जो आपके सामने बॉक्सेस लगे हुए हैं सब पे क्लिक करना है। कुछ आपको सुनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो सुनेगा आपको, अगर वो रियल में इंग्लिश का कोई वर्ड है तो आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। अब नेक्स्ट में भी आपको यही दिया गया है, रियल इंग्लिश वर्ड्स को आपने सेलेक्ट करना है, जो जो आपको लग रहे हैं, कुछ इनमें इंग्लिश के वर्ड प्रॉपर नहीं होंगे उनको नहीं करना है, फिर नेक्स्ट करना है। फिर आपको एक स्टेटमेंट सुनेगी, लिसनिंग चेक होगी आपकी, और वो आपको स्टेटमेंट टाइप करनी है, जो भी आपको सुन रहा है वो आपको टाइप करते जाना है इस क्वेश्चन में। एक मिनट का टाइम होगा आपको, एक मिनट का टाइम इस क्वेश्चन के लिए आपको मिला है। ऊपर देखिए, आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर देखते हैं तो आपको टाइम भी दिया जा रहा है। क्वेश्चन होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 50 वर्ड्स में आपको इस स्टेटमेंट जो आपको दी हुई है, 50 वर्ड्स में इसके बारे में लिखना है। जैसे राइटिंग होती है बिल्कुल वैसा ही एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब ये क्यू कार्ड के टाइप का अगला क्वेश्चन आ गया है, 20-30 सेकंड तक आपको इसका आंसर देना है। ये क्यू कार्ड आपसे कोई क्यू कार्ड टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके बाद आपको कुछ जो भी क्वेश्चन है इसके अंदर उनका आंसर आपको देना है। ये 3 मिनट का आपका क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 30 सेकंड्स के लिए आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप रीप्ले भी कर सकते हो, अगर आपका गलत होता है तो वो भी आप कर सकते हो। 30 सेकंड्स आपको इसमें बोलना है। तो यहाँ पे आपके वॉइस रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। जो क्वेश्चन आपने सुने थे उनका आंसर आपने करना है। तो यहाँ पे जब आप ये क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे तो आपका सेकंड पार्ट शुरू होगा, इंटरव्यू एंड राइटिंग सैंपल। अडेप्टिव टेस्ट आपका पहले वाला हो गया, अब सेकंड पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप कैमरा में जो है शो होने चाहिए इस इंटरव्यू के लिए। अब आपको 2 टॉपिक मिले हैं, आपको 1 से 3 मिनट तक इनमें से कोई भी एक टॉपिक आप चूज़ करके उसके बारे में बोलना है। ये लगभग आपके क्यू कार्ड जैसा ही है, 1 से 3 मिनट तक आपने बोलना है किसी भी एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है आगे टेस्ट हो रहा है, अभी 1 से 3 मिनट तक आपको यहाँ पे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, साथ ही आप कैमरे में भी आएंगे ये ध्यान रखें। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो एक राइटिंग के टॉपिक जैसा हुआ, अगेन 2 टॉपिक मिलेंगे, दोनों में से एक आपको चूज़ करना है, कोई भी जो आप करना चाहते हैं, और उसके बारे में फिर आपको लिखना होता है, 3 से 5 मिनट तक उसके बारे में आपको लिखना है। ये राइटिंग का टेस्ट है आपका, जिस तरह से आपका राइटिंग टास्क होती है ना, आपकी राइटिंग ऐसे होते हैं, तो उसी तरह से ये 3 से 5 मिनट, वर्ड्स की लिमिट नहीं है, जो भी आप लिखना चाहें 3 से 5 मिनट के अंदर वो बंद हो जाएगा। अब ये यहाँ पे टेस्ट खत्म हो गया है आपका। रीज़न उन्होंने पूछा है किस चीज़ का था, टेस्ट रिव्यू में होने के बाद डन हो जाएगा, डन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना रिज़ल्ट अगर सेंड करना चाहते हैं सीधे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को, तो ये सेंड रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, हम देखेंगे इस तस्वीर में ये कैसे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन्होंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद ड्रॉप यहाँ पे ये नीचे जा रहे हैं, आइकन को सेलेक्ट कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। अब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी आ गई, पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया थी, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। जिस यूनिवर्सिटी में आप सेंड करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सीधा आपका स्कोर 24 से 48 घंटे में वहीं पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, आप अपनी ऐप आईडी डालिए, जो भी आपकी यहाँ पे जैसे आपके कोई ना कोई लॉगिन आईडी वगैरह होती है जो आपको मिलेगी, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, आप सेंड कर सकते हैं, सीधा स्कोर आपका वहाँ पे सेंड हो जाएगा। सेंड पे क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट देखिए ये लिखा रहा है, योर रिज़ल्ट हैव बीन सेंड, जो भी रिज़ल्ट आपका पहुँचा दिया जाएगा। तो ये था आपका ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, कम्प्लीट आप वेबसाइट पे दे सकते। आपने देखा कि कितना क्विक टेस्ट है,
60 मिनट का टेस्ट है और बहुत जल्दी से हो जाएगा। आपने क्वेश्चंस के टाइप भी देखे हैं, आपको कैसे लगे, डिफिकल्ट या इजी, कमेंट करके बताइएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, इस टेस्ट की तैयारी कैसे करें। अब देखिए, ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपके अंदर किसी स्पेशल स्किल का होना जरूरी नहीं है। आप इसके क्वेश्चंस देख चुके हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बड़े अच्छे से इस टेस्ट को दे सकते हैं। और अगर आप आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हैं फिर तो बहुत ही अच्छा, आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं अगर आपका आईएलटीएस 5 या 6 बैंड का लेवल है। आपने अभी देखा कि इस टेस्ट में काफी सारे क्वेश्चंस क्यू कार्ड वाले की टाइप के थे और राइटिंग टास्क की तरह की इसमें टास्क है, टास्क 1 टाइप की भी है और टास्क 2 टाइप की भी है, और बाकी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से जुड़े हुए हैं। अगर आप डुओलिंगो टेस्ट देने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी मोबाइल ऐप पे आपको बहुत सारा इंग्लिश और आईएलटीएस का स्टडी मटेरियल मिलेगा जिससे आप इस टेस्ट की बड़े आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इच्छा रखते हैं ड्यूओलिंगो इंग्लिश टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर लेने की तो आप हमारा आईएलटीएस का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस मास्टर कोर्स की तैयारी से ड्यूओलिंगो टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर आप ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पैटर्न लगभग आईएलटीएस जैसा ही है, राइटिंग है या स्पीकिंग है या रीडिंग है वो लगभग एक जैसा है, और लिसनिंग का कोई इतना बड़ा पार्ट इसमें है ही नहीं कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े। अगर आप एक फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस साइट पे जाएं, englishtest.duolingo.com, यहाँ पे एक फ्री टेस्ट भी है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीचे आप जाएंगे और आप एक फ्री टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आप मेरे साथ में देख रहे हैं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या आपके फेवरेट इंस्टीट्यूशंस जिसमें आप जाना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा में हो, यूके में हो या फिर वो यूएसए में हो, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि क्या उस इंस्टीट्यूशन में ड्यूओलिंगो टेस्ट को रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है, मतलब ड्यूओलिंगो के बेस पे आप वहां का वीजा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इस साइट पे जाना है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, कंट्री का नाम डालिए और सारे इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं वन बाय वन, आगे जाके नेक्स्ट पेज पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका फेवरेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो वहां पे ड्यूओलिंगो टेस्ट एक्सेप्टेबल है, आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप फ्री है, इसमें आपको पेड और फ्री दोनों तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कोर्स चूज कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप या आईएलटीएस मास्टर कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करके इनकी जानकारी ले सकते हैं कि इन कोर्सेज में आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। कल हम आपके लिए एक और वीडियो में आईएलटीएस इंडिकेटर टेस्ट की जानकारी लेके आएंगे। सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे।